नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। जितनी भी बातचीत हम इन वीडियोस में करते हैं, करंट मंथ फ्यूचर के एक्सपायरी के वायदे कारोबार के होते हैं। जैसे मैं अभी 29 फरवरी 2024 के वायदे कारोबार के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मैजिकल लेवल्स की बात करूंगा। मैजिकल लेवल्स क्या होते हैं? मैजिकल लेवल्स हमारे ऐसे स्तर होते हैं, ऐसे आंकड़े होते हैं, ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके नीचे चलेगा बाजार होगा तो बेरिश या फिर करेक्टिव, और मैजिकल फिगर के ऊपर चलेगा बाजार तो होगा बुलिश। तो मैजिकल फिगर को अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो बाजार के ट्रेंड को फॉलो कर लिया। तो पहले हम परफॉर्मेंस शीट का रिव्यू करेंगे कि हमने कल क्या किया, टोटल क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। दुनिया का मात्र पहला एक ऐसा चैनल जो आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करता है, अपने पूरे किए धरेगा। और फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे कि आज के लिए जो आंकड़े आप लोगों को कल के वीडियो में दिए थे उसके बेसिस पे आप लोगों ने क्या पैसा बनाया होगा, या फिर बचे होंगे, या फिर लॉस किया होगा। और फिर बात करेंगे कल के लिए क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं। एकदम छोटा सा वीडियो होगा आसान भाषा में। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को आंकड़ों के माध्यम से पूरे आगे होने वाले बाजार का प्रॉस्पेक्ट दे दें। मंथली वीडियो भी अपलोड हो चुका है। बड़े बड़े पोजिशनल ट्रेड बनाने हैं तो मंथली वीडियो को जरूर रेफरेंस में लीजिएगा। तो पहले अपन कर लेते हैं परफॉर्मेंस शीट का रिव्यू। तो ये रही परफॉर्मेंस शीट आप लोगों के सामने, इसको फुल स्क्रीन करना होगा मुझे पहले। तो देखिए, यहां पर आप लोगों के सामने निफ्टी बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स के कॉल होते हैं, ऑप्शंस के कॉल होते हैं, कमोडिटीज के कॉल होते हैं, इक्विटीज के कॉल होते हैं, सारा लेखा जोखा यहां पर दिख रहा है आप लोगों को। तो करीब बैंक निफ्टी का एक सेल का कॉल था अपना, ये बैंक निफ्टी का एक सेल का कॉल था जिसमें जिसको सेल करने कहा था 46,350 के आसपास, 46,170 के आसपास हमने प्रॉफिट लिया। तो 137 पॉइंट कैपिटलाइज किए, 8,250 रुपए यहां पर टोटल मुनाफा हुआ। चार लॉट एंट्री रिकॉर्ड करते हैं आप, अगर एक लॉट में काम करते होंगे तो 2,250 रुपए के आसपास कमाया होगा। तो ये एक कॉल था। दूसरा एक कॉल था निफ्टी का, ये अपनी 5 तारीख का कॉल था। निफ्टी को सेल करने कहा था 22,000 के आसपास, एग्जिट करवाया 21,952 में। टोटल 47 पॉइंट कैपिटलाइज किए और चार लॉट में 9,500 रुपए के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसमें से हम मंथ एंड पर, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, इसमें से मंथ एंड पर हम 42-43% माइनस कर देते हैं टू कम टू द नेट प्रॉफिट। ब्रोकरेज, टैक्सेस, एक्सपेंसेस, रेंज जो देते हैं वो सब उसमें कॉम्पनसेट हो जाती है। तीसरा कॉल था निफ्टी का, बाय का कॉल था, 21,832 पे बाय करवाया था। 21,799 का स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 33 पॉइंट के आसपास का नुकसान हुआ, 6,600 रुपये चार लॉट पे नुकसान। निफ्टी का एक सी का कॉल था जिसको बाय करने कहा था 5 फरवरी का, 280 पर बाय कराया था, एग्जिट करवाया 277 पर, मात्र तीन पॉइंट का नुकसान और 6,600 रुपए के आसपास का नुकसान। तो टोटल आप देखते हैं, अगर आप क्या हम ही देखते हैं टोटल, तो यहाँ पर 8,000-9,000 रुपए के आसपास कैपिटलाइज किया, 18,000 रुपए, 6,000 रुपए गया, 12,000 रुपए के आसपास फिर भी नेट टू नेट हम घर पे लेके गए। बाकी सारे कॉल जो थे ये कमोडिटीज का था, तो अपन इसको अपन कमोडिटीज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम लोग इंटेलिसिस दुनिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर ऑल सेगमेंट अंडर वन रूफ आते हैं, यानी MCX भी कवर किया जाता है, करेंसीज भी कवर किया जाता है, इंडेक्स भी कवर किया जाता है और स्टॉक्स भी कवर किया जाता है। अगर आप लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शंस में अगर कामकाज करते हैं तो इंटेलिसिस ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। आप लोगों को सारे कॉल्स एंट्री टू एग्जिट यानी कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाती है अगर आप। और सबसे बढ़िया बात, इंटेलिसिस का सबसे बेस्ट पार्ट यह है, हमने कोशिश किया इंटेलिसिस को इस तरह से बनाने की कि आज तक कोई उस प्रोसेस पे आया ही ना हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, कॉल्स को भी हम 10 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, एक एक दिन पहले आप लोगों को दे देते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकें, एलोकेट कर सकें, रिस्क मैनेज कर सकें। यानी कि सारे कॉल्स एडवांस में होते हैं, ऐसे भक्ति गाड़ी को नहीं पकड़ाते कि भैया ये गाड़ी दिल्ली जा रही है, अचानक से भाग भाग के पकड़ लो। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अपन देखते हैं आज क्या हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी में। ये रहा निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने, ये आज का चार्ट है जो कल हमने डिस्कस किया था। हाँ, निफ्टी आज का चार्ट है ये। तो पहले अपन आज तक
आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं उसे डिकोड करेंगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि आप परफेक्शन की तरफ बढ़ सको। ये आज का चार्ट है जो कल लेवल दिए थे उसको प्लॉट किया हुआ है लाइन के माध्यम से इसको। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बता दूं। जैसे पिंक लाइन है मैजिकल लाइन, पिंक लाइन के ऊपर चलेगा बाजार तो होगा बुलिश और या फिर नीचे चलेगा तो करेक्टिव या फिर बेरिश। जो ये जो लाइन है इसको अपने को यहाँ पर आना हो, ये एक्चुअली थोड़ा सा सेटअप मेरे लिए भी नया है तो अपने को इसको उसमें लेके आना है SB। यस, अभी पेन ब्लू और ये ले लेते हैं। चलिए अभी ये देखिए यहां पर हम लोग एक चीज जानते हैं कि मैजिकल फिगर नहीं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया ना। यस, बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, तो हमें जाना है पेन सिलेक्टेड है। पेन ही सिलेक्टेड है अभी, यहां से भी है। निफ्टी का चार्ट ये रहा, निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी का चार्ट है, परफेक्ट। अब यहां से ओके, हाँ तो ये रहा निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने। एक चीज जान लेते हैं यहां पर, देखिए मैजिकल फिगर की लाइन ये थी, आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिला बाजार में। तो एक बात तो ये क्लियर थी, एक बात तो ये क्लियर थी कि हमें बेच के काम नहीं करना था। क्यों? क्योंकि बाजार मैजिकल फिगर के ऊपर ट्रेड करा रहे थे। ये सपोर्ट लाइन है, ये पहला सपोर्ट है 21675 का, दूसरा 21525 का। ओके, ये दो सपोर्ट हैं, दो रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस जो थे वो बाजार गैप अप ओपन होने की वजह से दोनों रेजिस्टेंस नीचे आ गए थे। तो इवेंचुअली हुआ क्या था, यहां पर ये सपोर्ट बन चुके थे, यानी जो रेजिस्टेंस थे आज के लिए बाजार ऊपर ओपन होने की वजह से ये बन चुके थे इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गए थे। यानी ये पहला रेजिस्टेंस था और ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये दोनों रेजिस्टेंस बन चुके थे सपोर्ट क्योंकि बाजार ओपन ऊपर ओपन हो चुका था। बेस्ट पार्ट यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए हम यहां पर डिकोड कर रहे हैं जो आप लोग पास्ट में गलतियां करते हुए आए हैं और जिनकी वजह से लॉसेस लगे हैं, ताकि आपके आप लोगों को वो ना लगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड कर दूंगा मैं। 90-120 डेज कंटिन्यूस देखिएगा वीडियोस को। मैजिकल फिगर के ऊपर था, यहां पर दो केस बन सकते थे। एक तो बाजार यहां से मैजिकल फिगर के ऊपर स्टेबल थे, आप देखिए पूरा बाजार मैजिकल फिगर के ऊपर स्टेबल था, तो यहां पर दो ऑप्शन बनते थे। एक तो ये जो हुआ मार्केट में, यानी कि ये पूरा मार्केट अपने एक जोन पर ट्रेड कराता रहा, बहुत खतरनाक वाला अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर नहीं हुआ। अगर इनकेस अपसाइड वाला ऐसा कोई मोमेंट ट्रिगर हो जाता था तो बाजार करेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी बना रहा था, लेकिन मैजिकल फिगर को रिस्पेक्ट कर रहा था बाजार। आप सारी कैंडल देख लीजिए, आप ये जोन देखिए पहला, ये दूसरा जोन देखिए, ये तीसरा जोन देखिए, ये चौथा जोन देखिए, कंटिन्यू बाजार मैजिकल फिगर का सपोर्ट ले रहा था। यानी ये क्लियर कट बता रहा था कि आज बेच के काम नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, खरीद करके काम करना है। किसी ने भी यहां पर बाय किया होगा तो नो डाउट बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा, लेकिन आराम से 60-70 पॉइंट मिले होंगे, यानी 3,000 से 4,000 रुपए प्रति लॉट में। 10 लॉट होंगे तो समझ जाओ 40,000 रुपए मिले होंगे, क्लोज टू क्लोज बेस पे भी अगर मान ले तो। वरना छोटे यानी जो रिटेल ट्रेडर है जिनकी 10-20-30,000 रुपए की पूंजी होती है, वो भी 1,000-2,000 रुपए बड़ी आसानी से कमा सकता था। बेचना नहीं था, खरीद करके काम करना था। और यहां पर अगर बाजार यहां से ऐसे भाग जाते थे तो यहां से एक डिप आने की पॉसिबिलिटी बनाता मैजिकल फिगर तक, लेकिन वो नहीं हुआ, तो खरीद खरीद के काम करना था। किसी ने भी आज निफ्टी बैंक निफ्टी के आंकड़ों को इस्तेमाल किया होगा तो उसको 2-3 हजार रुपए मिले होंगे, पहली चीज।
बेच के काम नहीं करना था, दूसरी चीज खरीद के काम करना था, तीसरी चीज बाजार क्लोज टू क्लोज बेस पे प्रॉफिट दिया है। क्लियर एंड लाउड। बात करते हैं अब हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। हाँ जी, अब ये देखिए आप, मैजिकल फिगर इसका था 46,500 का, ये हमारा मैजिकल लेवल था, ठीक है, ये मैजिकल लेवल था, ये था हमारा रेजिस्टेंस, ये था हमारा रेजिस्टेंस, और ये दोनों हमारे सपोर्ट थे, 45,380 का पहला सपोर्ट, 45,790 का पहला सपोर्ट, 45,790 दूसरा सपोर्ट, 45,380 बाजार इसके ऊपर टहल रहे थे, ना ही आज इस जोन के ऊपर जा पाया बाजार और ना ही इसके नीचे जा पाया बाजार, यानी कि पहले रेजिस्टेंस, और ये देखिए आप, ये यहां से यहां जाते थे और बराबर इसके ये एक आप लोगों को एक और लाइन बन रही थी, यहीं से बाजार यहां तक आते थे। पहली चीज, यहां पर अगर किसी ने बिकवाली की होगी इस पॉइंट पर तो उसको 100-150-200 पॉइंट आराम से मिले होंगे, और अगर किसी ने इस जो यहां पर भी एक लाइन बन सकती थी, लाइव मार्केट में लेवल चेंज होते रहते हैं, तो ये पूरा जोन पहले सपोर्ट के बीच में था, इस कॉन्ट्रैक्शन में बाजार ट्रेड करा रहा था। अगर किसी ने भी इस चैनल को ड्रॉ कर अगर 100-200 पॉइंट के लिए कोई पोजिशन बनाई होगी, चाहे सीई हो या पीई हो, दोनों बाजू में इसको पैसा मिला होगा, लेकिन प्रिफरेबली बाय करके काम करना था, उसकी वजह क्योंकि निफ्टी बुलिश दिखा रही थी अपने आप को। तो किसी ने भी अगर लोअर लेवल पे 45,790 के नीचे के स्टॉप लॉस से कोई भी खरीदारी की होगी, सी लिया होगा, तो भी उसको क्लोज टू क्लोज बेस पे 46,000 के आसपास की हमारी क्लोजिंग आई है, 46,090 की क्लोजिंग आई है, तो भी उसको आराम से 150-200 पॉइंट मिले होंगे, यानी कि प्रति लॉट पे 2,000 से 3,000 रुपये कमाने के मौके थे। और मैं एक बात यहाँ पर सही है कि काफ़ी टाइम मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मैजिकल फिगर अगर ऊपर का रहे तो खरीदारी करके काम करने से बचना है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी क्लियर कट वहाँ पर बुलिश जोन पे दिखा रही थी, तो अग्रेसिव बाइंग तो नहीं करनी थी क्योंकि मैजिकल फिगर ऊपर का था, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम पुराने वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि जब तक ये आंकड़ा नहीं कटता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, ये जब तक नहीं कट रहा है तब तक बड़ी मंदी भी ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो आप लोगों के पास एक ये लेवल था और एक दो चार दिन पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो आप लोगों को सुनने में आ जाएगा, 45,380 के नीचे जब तक बाजार नहीं जाता तब तक कोई एग्रेसिव सेल ऑफ भी नहीं आएगा, मैं कह रहा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि सेलर और बायर दोनों बाजू में पैसा था, कहीं किसी ने नुकसान नहीं किया होगा, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नुकसान करने से हमें बचना है, डर हटेगा, कन्विक्शन बढ़ेगा, पैसा अपने आप बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं। अभी हम ये हमारे कल के लिए आंकड़े हैं। आप जब भी वेबसाइट में आते हैं तो आप लोगों को इस तरह से सारे लेवल्स मिल जाते हैं। यहां पर देखिए लास्ट अपडेट 6/12 यहाँ पर देखिए आप 6/2/2024 4:24 पे लास्ट अपडेट हुई है और यहाँ पर मैजिकल फिगर लिखा हुआ है। पहले हम निफ्टी को कवर कर लेते हैं फिर बैंक निफ्टी को कवर करते हैं। निफ्टी का मैजिकल फिगर है 21,675 का, कितना 21,675 का। जब तक ये आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक एग्रेसिव मंदी आने की अपेक्षा कम लग रही है। पहला सपोर्ट 21,925, आज की क्लोजिंग कहां पर हुई है 22,000 के आसपास की हुई है, एग्जैक्ट 21,980 के आसपास की हुई है। पहला सपोर्ट 21,925, दूसरा सपोर्ट 21,840, और अगर ये दोनों स्तर भी कट जाते हैं तो भी बाजार इन स्तरों के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले सकता है जो कि 21,675 का है। तो इसके ऊपर जब तक चल रहा है तब तक बाजार बुलिश जोन पर है, लेकिन बाजार ओवरऑल साइडवेज है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी तेजी यानी 2,000-3,000 पॉइंट यहाँ से इमीडिएटली बढ़ती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी, और ना ही ऑन द कॉन्ट्ररी 2-3,000 टूटती हुई भी नहीं दिख रही है। ओवरऑल अगर देखिए, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुलिश नहीं होना चाहता अभी से क्योंकि आगे हमारे इलेक्शंस भी हैं,
तो मेरा मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर नो डाउट हम सब जानते हैं कि वापस से गवर्नमेंट कंसिस्टेंटली अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, लेकिन मेरा ये अभी कोई कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं है, अभी यूएस के इलेक्शन भी होंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई ना कोई फंडामेंटल न्यूज़ ऐसी ट्रिगर होगी या फिर बनाई जाएगी या फिर बनेगी जो बाजार में नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप करेगी। तो मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी बुलिश नहीं होना चाहता और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बेरिश भी नहीं होना चाहता। बाजार ओवरऑल मार्केट मार्केट का ट्रेंड लगता है साइडवेज। अगर बाजार बढ़ते हैं तो 22,045 के आसपास पहला रेजिस्टेंस ले सकता है, और अगर यहां से भी काटता है बाजार तो यहां तक जा सकता है 22,175 तक। तो मंदी तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि मंदी बेच के ही काम करना है, यहाँ पर 22,175 तक भी आसानी से जा सकता है, और अगर बाजार 21,840 का स्तर काटता है, 21,840 का स्तर काटता है तो आसानी से यहाँ तक भी आ सकता है। तो मोटा माटी अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें ब्रॉडर वे में बात करें तो बाजार 21,6 21,675 से 22,175 तक का बाजार दिखता है, ठीक है। और बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का ओवरऑल साइडवेज लग रहा है बाजार, और बाजार आज की डेट में क्लोज हुए 45,971 के आसपास। पहला सपोर्ट है 45,740, दूसरा सपोर्ट 45,630, और मैजिकल फिगर है 45,370 का। पहला रेजिस्टेंस 46,125, ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरी एक बात पर, 46,155 के ऊपर की अगर स्टेबिलिटी दिखाता है बाजार तो ही कोई बड़ी तेजी यानी बड़ी यानी और अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है 46,450 तक का। ध्यान दीजिएगा 46,155 के ऊपर की अगर स्टेबिलिटी दिखाता है, 5 मिनट की 7-8 कैंडल बना लेता है तो बाजार आसानी से 46,450 तक जा सकते हैं। ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट साइडवेज हैं। अगर ऊपर 46,900 का आंकड़ा कटता है फाइनल तो एक और 1,000 पॉइंट की तेजी ट्रिगर हो सकती है, वरना बाजार यहां का अगर इसकी ब्रॉडर रेंज में बात करें तो 45,375 से 46,900 तक की रेंज ओवरऑल बाजार की आगे दिखती है। सपोर्ट दे चुका हूँ, रेजिस्टेंस दे चुका हूँ, मैजिकल लेवल्स दे चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कहीं पर आप लोगों को बाजार से लड़ने में कहीं कोई अस्त्र वस्त्र शस्त्र यानी जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो हमें इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो अब इन आंकड़ों के माध्यम से, साइकोलॉजी डिस्कशन के माध्यम से, ब्रॉडर वे में मार्केट को डिस्कस करके ये सभी चीज़ें आप लोगों के पास से बात करते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम करते हो आप अगर तो आप इस वीडियो को जरूर सुन लो, ऐसा थंबनेल में लिखा है तो मुझे इसकी बात करना भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम छोटी से बड़ी चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक ब्रॉडर वे में वोलाटाइल दिखती है आगे, तो सेलर कभी बाजार बायर बायर वालों का बन रहा है, बायर वालों का बाजार कब होता है, बायर वालों का बाजार तब होता है जब बाजार में 500 हजार पॉइंट की इमीडिएट कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड होती है। उस समय अगर सेलर राइट डायरेक्शन में तो उसके पास लिमिटेड प्रीमियम आने की संभावना होती है एज ए प्रॉफिट, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अगेंस्ट डायरेक्शन में बैठा हुआ है तो उसकी लॉस अनलिमिटेड होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अभी आज से 2-3 दिन पहले जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया था और उसमें यह कहा था कि अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बच के रहिएगा, आज मुझे लगता है ये ऑप्शन सेलर वाला मार्केट बन चुका है 2-4 दिनों के अंदर ही, क्योंकि अब बाजार में एक्स्ट्रॉर्डनरी तांडव होने की पॉसिबिलिटी मुझे तो कम लग रही है। बाकी अगर आया भी तो भी ऑप्शन में सिर्फ अभी कोशिश करिए कि अगर आप थोड़े आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में काम कर ले, इन द मनी या फिर एट द मनी के ऑप्शंस में काम करने को अवॉइड करें ताकि रिस्क कम हो, और सेलर तो थोड़ा बाजार से दूर ही रहे क्योंकि बाजार में ओवरऑल वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। और अगर दूर दूर के ऑप्शंस अगर राइट करने हैं तो भी एक जगह पे मत करिए, यानी ऑप्शन राइट यानी बेचना, जो ऑप्शन बेचते हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर ऑप्शंस को राइट करना है तो भी एक ही जगह पे सारी क्वांटिटी सारी कैपेसिटी से काम मत करिएगा क्योंकि बाजार तांडव कर सकते हैं पूरे 1 से 1.5 महीना। और सपोर्ट दे चुका हूँ, रेजिस्टेंस दे चुका हूँ, थंबनेल की बात कर चुका हूँ, इसके बाद मैं आऊँगा स्टॉक स्पेसिफिक की रणनीतियाँ लेके, उसे भी देखिए ताकि मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सको। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उस सेगमेंट में काम करो। अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव के साथ इन वीडियोस के लिंक को जरूर शेयर करिएगा। MCX का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलें ताकि आप बाजार को सेक्टर वाइज रोटेट होते हुए समझ सकें, साइकोलॉजी बिल्ड कर सकें और बेहतर पैसा कमा सकें। अगर पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल, लाओ माल के कमेंट करते रहिए। और कुछ भूला तो नहीं मैं?
डन है सब। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियोज। जय हिंद जय भारत। मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इंटेलिसिस एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और हम लोग एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स दिए जाते हैं, जिसमें पूरी हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एग्जिट। तो जो भी ट्रेडर निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करता है, जैसे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, वो लोग हमारी एडवाइजरी लेने के लिए साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दी हुई लिंक को यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इंटेलिसिस की वेबसाइट के बारे में भी डिटेल में बताना चाहूंगा कि जो ट्रेडर और निवेशक निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन MCX के कॉल ऑप्शन, NSE कैश, NSE स्टॉक्स ऑप्शन, करेंसीज में ट्रेडिंग करता है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करके वेबसाइट से लाइव ट्रेड खरीद सकता है। इंटेलिसिस की वेबसाइट से एक ट्रेडर और एक निवेशक सिंगल कॉल भी ले सकता है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाती है टिल एग्जिट पॉइंट। दूसरा बेनिफिट, लेवल्स लिए जा सकते हैं टू एनालाइज द मार्केट और उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अपने प्लान्स को कस्टमाइज किया जा सकता है। जिस भी सेगमेंट में आप काम करते हो उसका एक बास्केट बना सकते हैं और उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। चौथा बेनिफिट, अफोर्डेबल कॉल्स। इंटेलिसिस की सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होती है।